हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है? देखने में तो अच्छा है ना, तो बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी। गाइस, बहुत ही कम समय में बनने वाला ये रेसिपी है। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से ले लेती हूँ एक साबुदाने का पैकेट और यहाँ पर मैंने डाल दिया मिक्सर ग्राइंडर में साबुदाना। तो गाइस, इसको मैंने डायरेक्ट खोला आपके सामने और फटाफट से इसको मिक्सर ग्राइंडर वाला और मैंने इसको बॉटल बना लिया। तो ये हो गया हमारा एक स्टेप तैयार। तो और उसके बाद हमने इसको एक बड़े से डोंगे में डाल दिया मैंने इसको, क्योंकि इसका मैं मिक्सर बनाऊंगी। और साथ में मैंने उबाल लिए थे 2-3 आलू और एक कटोरी मैंने यहाँ पर साबुदाना लिया। तो मैंने यहाँ पर दूसरा साइड लिया है 3 आलू, उसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, थोड़ा सा मिर्च। बाकी इसमें कुछ मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और सात्विक तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों से तैयार होगा गाइस। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के लिए यहाँ थोड़ा सा सूखा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा दही। तो दही से क्या होगा ना, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और खट्टापन लेकर के जो हमारे इसके जो स्नैक्स है ना वो तैयार होगा, बहुत ही स्वाद देगा और बिल्कुल सिंपल तरीके का गाइस। इसमें कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं और बहुत ही कम टाइम में बनेगा आपका। अब ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया, मैंने इसको आटे की तरह गूंथ लिया। अब हम इसको फटाफट से थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए रख लेते हैं। तब तक हम इस साइड करते हैं तेल गरम। जब तक तेल गरम हो जाता है, हम यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं अपना कटलेट। अगर इसको हम गोल शेप में कर देंगे तो ये टिक्की तैयार हो जाएगी। अभी हम फिलहाल इसको बना रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करने के लिए इसको बना रही हूँ मैं कटलेट। और यहाँ पर ऑयल हो गया गरम, अब हम इसको कर देंगे डीप फ्राई। चाहे तो हम हल्का इसको सेक भी सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा जल्दी है, कम समय में हमने इस रेसिपी को तैयार करना, तो हमें इसको डीप फ्राई करनी पड़ेगी। और उसके बाद इसको बस उलट पुलट करके दोनों साइड से सेक लेते हैं। और देखिए गाइस, इतने अच्छे कलर दे करके ये रेसिपी तैयार होगा ना, आपको यकीन नहीं होगा। कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, सिंपल तरीके से रिकॉर्डिंग हुई है वीडियो। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ रात को, तो आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा। यहाँ देखिए कितना प्यारा कलर लेके आया ना गाइस ये। तो दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और इस उपवास में इस रेसिपी का आनंद लीजिए। फटाफट से बनाइए, बहुत ही कम चीज़ों से बनता है। साबूदाना हर कोई खाता है आजकल व्रत में, तो एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा गाइस। रेसिपी अच्छी लगी ना तो जरूर 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 ट्राई करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी नवरात्र।